शरद जी, हमारे साथ पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव जी भी जुड़ गए हैं। जी जी गोपाल जी, किस तरह से आप अपनी भावांजलि, अपनी श्रद्धांजलि को अर्पित करेंगे एक अप्रतिम मानवीयताबाद जी? ये हम सभी लोगों के लिए, पार्टी ही नहीं बल्कि पूरे देश के लोगों के लिए एक दुखद सूचना है, दुखद क्षण है। माँ तो माँ होती है, और वो सिर्फ मोदी जी की माँ ही नहीं बल्कि हमारे देश की भी माँ। एक ऐसी माँ जिन्होंने त्याग और तपस्या से अपने बेटे को आत्मनिर्भर बनाया, पाला पोसा अभाव की स्थिति में। जैसा कि जानकारी है सभी को कि बहुत ही अभाव की स्थिति में उन्होंने मोदी जी की किशोर अवस्था से, बाल्यावस्था से उनके लिए पाला पोसा बड़ा किया, और मोदी जी धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए और देश के आज सर्वोच्च पद पे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मां ने कभी ये नहीं कहा कि बेटा घर पर रहे, क्या कहता बाहर क्या करते हो, कुछ नहीं, मैं अकेली हूं। कभी भी उन्होंने मोदी जी की तरक्की, विकास और आगे बढ़ने के मामले में कोई अवरोध पैदा नहीं किया, भावनात्मक अवरोध कभी पैदा नहीं किया। रही तो अधिकतर लोग घर वापस लौट आते हैं तो फिर वो इस मुकाम पर नहीं होते, ना उस मंजिल को पा पाते हैं जो मोदी जी ने पाई। तो निश्चित रूप से मोदी जी प्रधानमंत्री पद तक पहुंचने के लिए सबसे बड़ा योगदान रहा तो उनकी माँ का रहा। ये बात सही है कि माँ को उतना सानिध्य नहीं मिला जितना कि मिलना चाहिए पुत्र का। इसके बावजूद भी पूरे देश के खातिर उन्होंने मोदी जी को देश के लिए दे दिया, और उन्होंने देश सेवा की, कर रहे हैं। मैं ऐसी माँ के लिए प्रणाम करता हूँ, मेरी बहुत बहुत श्रद्धांजलि है। और ऐसी माएं हमारे देश के लिए गौरव की बात है, मातृशक्ति के लिए गौरव की बात है, हर महिला के लिए गौरव की बात है। ऐसे त्याग तपस्या करने वाले बहुत ही कम लोग और महिलाएं मिलती हैं। प्रणाम है। बिल्कुल ठीक कहा आपने गोपाल जी, बिल्कुल आपने एक एक शब्द आपका बिल्कुल उस भावना को व्यक्त करता है जो हम सबकी भावना है या राष्ट्र की भावना है। और एक अद्भुत और अप्रतिम माँ रही हैं हीराबा। बहुत धन्यवाद गोपाल जी।